सबसे पहले तो डॉक्टर हुस को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जो बहुत नए काम कर रहे हैं पूरे दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और पीस जो है, जब तक के जैसा कि योगेश जी ने बताया कि अगरबत्ती की खुशबू अगरबत्ती नहीं लेती, हम सबको देती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी दें, ज़्यादा से ज़्यादा पीस का पैगाम दें। और बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में कि हम सबको एक होकर के और ये मैसेज ऑल ओवर कंट्री कन्वे करना चाहिए। जो गांधी जी ने मिशन शुरुआत जो की थी कि अपने से ज़्यादा दूसरों से प्यार करो, तो वो होना चाहिए। आज अगर ये परंपरा अगर 1000 लोगों में से 100 लोगों में भी हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी और बहुत लोगों में शांति पैदा होगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पीस के लिए तो जितना बोले उतना कम होता है, लेकिन हर इंसान के अंदर ही पीस रहता है। हमारे जैन धर्म में तो शांति, समा, माफ़ करना और समाज सेवा करना सबसे बड़ा अमूल्य मौका है जीवन का। और मनुष्य जीवन को अच्छी तरह से बिताया जाए, लोगों में शांति फैलाई जाए और लोगों के अंदर समझदारी देनी चाहिए कि ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड या घमंड या गलत काम नहीं करना चाहिए। शांति से अपना जीवन जीना चाहिए और शांति के लिए तो सब बड़े में बड़े लोग दिन रात सोचते रहते और तपस्या करते हैं। भगवान ने इतना अच्छा शांति का जो मौका दिया, उसको प्रॉपर करके लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए। देखिए, इस धरती पर हमारा जन्म जो प्रभु ने हमें शरीर दिया है, ये सोच के दिया है कि हम शायद एक दूसरे के साथ मानवता में और एक दूसरे के साथ पीस के लिए काम करेंगे। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भागवत गीता में कहा गया है कि हर मनुष्य में एक आत्मा है और हर आत्मा में एक परमात्मा है। तो जब हम सब मनुष्य हैं, हम में आत्मा है, हम में परमात्मा है, तो हमारे अंदर शांति सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको हम कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं, हम जिसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। बट आज जो जैसा माहौल यहाँ बना है, जैसे हम सब लोग भाई बैठे हैं बड़े, और इस संदेश के साथ हम लोग काम करेंगे, और मेरा तो खुद का नाम भी संदेश यादव ही है, तो हम लोग इस पर काम करेंगे। और ये ऐसा समय है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। सर, आप दोनों से जानना चाहूँगा, डॉक्टर ह्यूज ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है जो है पीस को आगे बढ़ाने के लिए, वो कितनी मतलब यूजफुल होगा लोगों के लिए और कितनी अच्छी बात है? ये 1000% बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और समाज सेवा में सबसे बड़ा योगदान है। और ये पीस के लिए आज की तारीख में सबके पास सब कुछ है, धन दौलत, कीर्ति, शोहरत और आसमान पे छूने की सपने और तमन्ना है, लेकिन किसी के अंदर शांति नहीं है। तो जैसे इंसान में शांति, संतोष एक महसूस होगा, तो दुनिया में हर एक इंसान अगर शांति महसूस करेगा तो वर्ल्ड शांत हो जाएगा। और ये जो गलत लड़ाइयाँ, गलत आतंकवाद, गलत जो चीज़ हो रही है, सब में भी कंट्रोल होगा। और जितना भी आदमी मंदिर में, मस्जिद में, योगा में या अपने भगवान के पास जाके शांति के लिए सोचेगा, उतना वो समाज का कल्याण कर पाएगा। जैसा कि डॉक्टर जो काम कर रहे हैं गांव खेड़ों में जा करके दवाइयां बांटते हैं, लोगों तो मैसेज देते हैं, जिसको ज़रूरत हो वो लोग मेरे पास आए। मैं जैसे मैं खुद कैंसर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 मौतें हुई। मैं जानता हूँ कैंसर पीड़ित, कैंसर की मौत कितनी ख़तरनाक मौत है। तो आज छोटी छोटी बात के लिए रोड रेज, जो सड़कों पे अगर किसी ने बाई मिस्टेक किसी की गाड़ी को धक्का लगता है तो वो तुरंत उतरते हैं और मारपीट पे शुरू करते हैं, ऐसा ना होना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत मुश्किल आपको जो ज़िंदगी दी है उससे प्यार कीजिए, सामने वाले से प्यार कीजिए। आज छोटी छोटी बात के लिए चिड़चिड़ाहटपन है ना, अगर आप ये सारी चीज़ों को मन से, दिल से निकाल देंगे और लोगों से प्यार करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली होगी और आपके परिवार भी खुश होंगे, सामने वाला भी खुश होगा। हमारे इस्लाम में एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, तो आपका खाना जो है हराम है, नींद के साथ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, लोगों से प्यार करना चाहिए और शांति के लिए पैगाम। आज हमारे इंडस्ट्री में योगेश लाखानी जी एक मिसाल है। ये इंसान ने जो ज़मीन से काम शुरू किया था और लोगों के लिए, भाईचारे के लिए इतना काम करते हैं, इतने बड़े बड़े काम इनसे इतने अच्छे तरीके से होते हैं, इनको अप्रोच कीजिए। तो ऐसे लोगों की वजह से आज इस दुनिया में जो प्यार मोहब्बत कायम है, ऐसे लोगों की मिसाल देनी चाहिए लोगों को। तो हम सबको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लोगों की मदद करना चाहिए, शांति का पैगाम देना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए पीस को लोगों तक पहुंचाने के लिए? फॉर मी पीस इज समथिंग वेयर देयर इज नो वायलेंस, नो वॉर,
just do the social work and keep on doing it. Sir, Dr. Hughes ने जिस तरह का initiative लिया है, वो initiative कितना important है आज के time में, जैसे सर ने कहा कि आतंकवाद फैल रहा है और जो है peace लोगों का बहुत कम हो गया है, peace of mind. तो what do you want to say about it? नहीं, काफी अच्छे डॉक्टर साहब ने ये initiative लिया है and काफी लोगों को जिसमें जोड़ा है, काफी select करके अच्छे, मैंने भी काफी सबको अच्छे जानता हूँ, इनके social work में भी में काफी साल से हूँ social work में, तो it's a good initiative and we should. बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल का है, बिकॉज इस चीज़ की बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में पूरी दुनिया को, ना कि पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को, बिकॉज़ जंगें तो कई सारी हो चुकी है बट पीस के लिए किसने पहली बार जंग छेड़ी है. तो मैं डॉक्टर हूस को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनकी सोच को सलाम करता हूँ. और ये पीस कैसे फैल सकता है, तो मैं एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी कि एक मॉन्ग थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं पूरी दुनिया बदल दूँ, तो उन्होंने पूरी दुनिया बदलने निकल पड़े. फिर देखा कि वो नाकाम हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने देश को बदल दूँ. जब देश को बदल नहीं पाए तो सोचा कि अपने प्रांत को बदल दूँ, तो अपने प्रांत को भी जब नहीं बदल पाए तो सोचा कि अपने घर में लोगों की सोच बदल दूँ. जब अपने घर के लोगों की भी सोच ना बदल पाए तब उन्होंने आखिरकार ये फैसला किया कि मैं अपने आप को बदल दूँ. और जब उन्होंने अपने आप को बदला, उनको देखकर उनके घर ने अपने आप को बदल लिया, उनके घर को देखकर उनके प्रांत ने अपने आप को बदल दिया, और उनके प्रांत को देखकर पूरे देश ने और फिर पूरी दुनिया ने अपने आप को बदला. तो ये बहुत ही अहम छोटी सी कहानी बस हमें एक बहुत ही अहम मैसेज देती है कि अगर हमें लोगों के लिए पीस की सोच बनानी है, अगर लोगों के दिलों में पीस उजागर करना है, तो अपने आप के अंदर इनर पीस ढूंढना बहुत ज़रूरी है. तो इनर पीस के लिए जैसा कि बिल्कुल योगेश अंकल ने, पापा ने और सभी संदेश जी ने, विनीत जी ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और साथ ही साथ अपना रिलीजन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. आप चाहे किसी भी मज़हब से हो, कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना, तो हर मज़हब सिखाता है कि आप शांति रखें, प्यार रखें और बस लोगों की मदद करें, सेवा करें. और प्रेम एकमात्र एक चीज़ है जिससे कि आप खुश हो सकते हो, संतुष्ट हो सकते हो. अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से प्यार करें, लोगों से प्यार करें, खुद से प्यार करें. जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से एंड थैंक टू एवरीवन के इस चीज़ में आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. थैंक यू सो मच. इसीलिए शायर ने कहा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे. क्या बात है. नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे. योगेश जी, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाए. वाह, क्या बात.